नमस्कार दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। उज्जैन दक्षिण से हाल ही में निर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर मोहन यादव को पार्टी विधायक दल ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में अपना नेता चुन लिया है। उनके नाम का प्रस्ताव मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया, जिसका समर्थन पार्टी नेताओं ने किया। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन नखराली ने बताया कि डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय गुना में जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और आतिशबाजी चलाई गई। इसी के साथ ही प्रदेश में पहली बार दो दो मुख्यमंत्री बनाए गए, जिसमें जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। आज बड़ा ही प्रसन्नता का दिन है कि हमारे साथी विद्यार्थी परिषद में बहुत लंबे समय तक साथ में काम किए आदरणीय मोहन यादव जी को आज मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया है। हम सब कार्यकर्ता आज बड़े प्रसन्नता के साथ खुशी मना रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में युवाओं में उन्होंने बहुत काम किया है। आशीष भैया, हम सब लोग ये चाहते हैं कि आगे मध्य प्रदेश का विकास हो। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने भी बहुत विकास किया, उसको और आगे बढ़ाया जाएगा। माननीय मोदी जी की जो अपेक्षाएँ हैं मध्य प्रदेश में, जो अपेक्षा की गई है उनसे, वो सब माननीय मोहन यादव जी के द्वारा पूरी होंगी। ये हम सब लोग प्रसन्नता की मना रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। आज बड़ा ही प्रसन्नता का दिन है कि हमारे साथी विद्यार्थी परिषद में बहुत लंबे समय तक साथ में काम किए आदरणीय मोहन यादव जी को आज मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया है। हम सब कार्यकर्ता आज बड़े प्रसन्नता के साथ खुशी मना रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में युवाओं में उन्होंने बहुत काम किया है। आशीष भैया, हम सब लोग ये चाहते हैं कि आगे मध्य प्रदेश का विकास हो। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने भी बहुत विकास किया, उसको और आगे बढ़ाया जाएगा। माननीय मोदी जी की जो अपेक्षाएँ हैं मध्य प्रदेश में, जो अपेक्षा की गई है उनसे, वो सब माननीय मोहन यादव जी के द्वारा पूरी होंगी। ये हम सब लोग प्रसन्नता की मना रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।